मध्य प्रदेश के नए सीएम को अखिलेश की चेतावनी। पड़ोसी राज्य में बना नया यादव सीएम तो बोले अखिलेश, मोहन यादव को अखिलेश ने क्या सलाह दे डाली। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ आई तो विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन बीजेपी यही नहीं रुकी, उसका मास्टर स्ट्रोक तो आना अभी बाकी था और वो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ चला गया। अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश को ये बात पच नहीं रही है और उन्होंने मोहन यादव को खुलेआम चेतावनी दे दी है। एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा, मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। एक बड़े पद पर एक बड़ी पार्टी ने आपको मौका दिया है। मुझे उम्मीद है कि उस कुर्सी पर बैठकर जिस भावना से भारतीय जनता पार्टी ने आपको बैठाया है, कम से कम आप पीडीए का ख्याल रखेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले अपने पुराने मुख्यमंत्री को नए से बदला, मगर इस बार भी तवज्जो ओबीसी वर्ग को ही दी गई। इसी के साथ एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव का नया चेहरा उतार दिया। जानकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को चुनकर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। यूपी और बिहार दोनों जगह विपक्षी पार्टियों का मुंह बंद कर दिया है। विपक्ष जिस तरह बीजेपी को सवर्णों की पार्टी घोषित करता था, उसमें पिछड़ा वर्ग से शीर्ष नेतृत्व का आना अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा यादव जाति, जिसको मुलायम सिंह यादव और लालू यादव अपने वक्त से ही खुद का वोट बैंक मानते थे, उस नैरेटिव को तोड़ने में इस कदम ने बड़ा काम किया है। और जिस तरह से अखिलेश अब बयान दे रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि वो मोहन यादव को सपा के लिए बड़ी चेतावनी मान रहे हैं। उन्होंने बधाई तो दी, मगर साथ ही अपने मन की बात भी कह डाली। वैसे कुछ दिनों पहले सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को बधाई दी थी। अब बधाइयों का सिलसिला तो बहुत हुआ, लेकिन समझने वाली बात यह है कि बीजेपी के इस बड़े दांव के बाद सपा को अब नई रणनीति पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हाल में हुए विधानसभा चुनावों का सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।